दौसा से मिल रही है। धार्मिक मेले से सियासी ललकार उठी है, विधायकों ने मांग उठाई है पायलट राज बार बार। देखिए विधायक सोलंकी जो हाल ही में दो बार सचिन पायलट के पक्ष में बोलकर सुर्खियां बटोर चुके हैं, उन्होंने भी संबोधित किया और उन्होंने संबोधन में कहा कि आज नहीं तो कल होकर रहेगा, युवा चाहता है पायलट सीएम बने और ये होगा ही, आज नहीं तो कल होगा लेकिन होगा। इधर खिलाड़ी लाल बैरवा, देखिए ये वो नाम है जो कि अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने पायलट के पक्ष में बोलकर ये दिखाया कि वो भी सियासत में वक्त की नजाकत को भापने में उस्ताद है। उन्होंने भी हुंकार भरी है कि जब अपनी भावना पूरी होगी वो वक्त दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम हो, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको सुनवाते हैं क्या क्या कहा गया। डिमांड मैंने उठाना, जनता उठा रही, आप लोग सब लोग देख रहे हैं, जो जनता जाती है वो करना चाहिए आला कमान को, पहले भी बार बार कह चुके हैं। क्या क्या और हम सब लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, अभी कल भी आप देख रहे हैं दिल्ली जाके हैं सब लोग, ये जो दिल्ली की जनता और ये राजस्थान की जनता ये कोई अलग नहीं है, ये सब अपना भाव बता रही है। समय रहते हैं अगर इस आला कमान ने ध्यान नहीं दिया तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। क्या हम लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि सचिन पायलट जी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बने। नहीं बनाया तो क्या होगा राजस्थान में, नहीं बनाया तो आप इनसे पूछिए, मुझसे पूछने से क्या होगा। हमने हमारे आला कमान से एक मांग रखी थी, हमने मांग रखी थी कोई 5 साल का राज होने वाला है, 4 साल हो गए हैं। सोनिया जी ने ट्विटर से मुझे कहा था कि पार्टी में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अब अपने टाइम, लेकिन उस दौरान थोड़ा टाइम हो गया जब किसी भी हमारे नेता ने आगे चक्कर के लिए काल पर हमला डालने के कहा है, तो यह मजबूर है स्थिति देखने हमने हमने कहा कि भाई ये मामला राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के नेता को सोचना चाहिए और ये फैसले बाला लगा करते हैं लेकिन हमें बात करनी चाहिए। आज की डेट में हर व्यक्ति हर नौजवान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कल वाली बच्ची बहुत बड़ी बात है। और दौसा के धार्मिक मेले में पायलट ने भी संबोधित किया, उन्होंने कहा कि रास्ता लंबा है, कठिन है, मिलकर मेहनत करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें रोक दे। राजस्थान विकसित नहीं हो सकता, राजस्थान तब आगे बढ़ेगा तो हम सब अपनी सोच में बदलाव लेकर आएंगे, हम सब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। और मैं 36 गांव के लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस प्रांगण में सब समाज के लोग, मैं खासकर नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, हमें एक दूसरे को ताकत देने का काम करना है, हमें एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं करना। अगर हम किसी के बारे में भला नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार हम किसी को नहीं है, हमें सबको सम्मान करना है। हम किसी के सुनो मेरा, हम किसी के जय कार्य के नारे नहीं लगा सकते तो हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी है। जहाँ हमारे बड़े भाई को थोड़े से उतारने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, राजस्थान में जो हमारे बड़े की बेटी पढ़कर सांसद बने, कलेक्टर बने, अधिकारी बने, हमारे छोटे गांव में पैदा होना और गरीब का बच्चा बड़ा उद्योगपति बने, 36 कौम के लोगों के अंदर जो प्यार मोहब्बत भाईचारा इतने सालों से बरकरार है, सदियों से पीढ़ियों से इस भाईचारे को बनाना पड़ेगा। और सहयोगी आशीष शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस जगह ने सियासी विरासत सचिन पायलट को सौंपी, जिस जगह से सियासी पहचान है पायलट परिवार की, उसी जगह से कुछ ही दिनों के अंतर पर दूसरी बार सचिन पायलट के लिए आवाजें। निश्चित रूप से दौसा सचिन पायलट की कर्मस्थली है और आज एक जबरदस्त हुंकार यहां से उठी है और जो पायलट समर्थित जो विधायक हैं उन्होंने भी डिमांड किए, काफी जबरदस्त भीड़ के बीच में ये डिमांड उठी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, नौजवान युवा ये चाहते हैं। जो खिलाड़ी लाल बैरवा जो बसेड़ी से विधायक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिम राजस्थान से कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन पूर्वी राजस्थान इससे अछूता है, इसमें पूर्वी राजस्थान को मौका देना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इस
तरह की उन्होंने बातें कही। साथ ही जो वेद प्रकाश सोलंकी है उन्होंने भी अपने बयान को रिपीट किया, उन्होंने कहा कि सरकार यदि आला कमान ने सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि रास्ता लंबा और कठिन है, मिलकर मेहनत करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक दे, ये भी अब मतलब सत्ता की ख्वाहिश जताना ही कहा जाएगा। बिल्कुल, सचिन पायलट का जो बयान था वो काफी सदा हुआ बयान था और इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि कोई हिम्मत नहीं है जो रोक सके, यदि सब मजबूती से मेहनत करेंगे, तो इस तरह का एक बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भला बुरा कहना किसी के नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ टिप्पणी की थी सचिन पायलट के लिए, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को यदि अच्छा नहीं कह सकते तो किसी को बुरा मत कहिए, इस तरह के उन्होंने अपने बयान दिए। हालांकि जो उनके बयान थे काफी सदे हुए थे और उन्होंने इशारों में अपने बात भी कही और एक मैसेज भी दिया कि सभी को सभी का सम्मान करना चाहिए और भला बुरा किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सभी मजबूती से साथ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन्हें रोक सके। इस तरह का उनका बयान इस जो धार्मिक मेले का जो कार्यक्रम था निहालपुरा में, यहां से एक सियासी बयान सामने आया। जी चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।